बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। औरतों को हर सतह पर 33% नुमाइंदगी की अवामी मुहिम मजवजा बलोचिस्तान लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2014। क्वेटा बलोचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम और औरतों की 33% नुमाइंदगी के हवाले से मकामी हकूमतें जमहूरियत में सियासी दर्जगाह की हैसियत रखती हैं, क्योंकि जब मकामी सतह पर मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगान को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है तो यही वो अमल है जिससे गुजरते हुए मकामी सतह पर मुतबादल सियासी क़यादत को फ़रोग मिलता है। इसी तरह नुमाइंदगान मकामी हुकूमतों से होते हुए आला पार्लिमानी इवानों में पहुँचते हैं, जहाँ वो अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात की सही नुमाइंदगी कर सकते हैं, क्योंकि वो अवाम के मसाइल और उनकी वजूहात से आगाह होते हैं। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों को बदकिस्मती से पनपने का सही मौका नहीं मिला। दिलचस्प मगर अफसोसनाक पहलू ये है कि मकामी हुकूमतों के तीनों निज़ाम फौजी आमरों के दौर में ही मुतारिफ हुए। पहला बाकायदा निज़ाम बुनियादी जमहूरियतों के अयूब खान ने 1960 में लागू किया। दूसरा निज़ाम मकामी हुकूमतों का ऑर्डीनेंस 1979 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पेश किया गया। और तीसरा निज़ाम मकामी हुकूमतों का जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2000-2001 में मुतारिफ करवाया। बदकिस्मती से आमराना रवैये रखने वाली जमहूरी हुकूमतें हमेशा मकामी हुकूमतों पर शबखून मारती रही हैं और मकामी हुकूमतों को मुअत्तल या मनसूख करती रही हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों और सियासी पार्टियों के गैर जमहूरी रवैयों की वजह से अपनी इर्तकाई मनाजिल तय नहीं कर पाईं, नतीजतन जमहूरी इदारे गैर मुस्तकिम रहे। 2000-2001 का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अगरचे एक फौजी हुक्मरान के दौरे हुकूमत में मुतारिफ हुआ, ताहम इस निज़ाम ने अवाम बिलखसूस ख़वातीन अकलियतों किसान मज़दूरों को मकामी मसाइल के हल के लिए मुनासिब नुमाइंदगी प्लेटफॉर्म फ्राहम किया। ना सिर्फ बल्कि जमहूरी तर्ज हुकूमत के लिए मकामी सतह पर मनसूबाबंदी कानून साजी वसाइल को बरुएकार लाने के लिए भरपूर अवामी शिरकत के लिए कानूनी जवाज और एक मरबूत निज़ाम दिया। इस निज़ाम में बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश मौजूद होने के बावजूद भी बिलाशुबा ये निज़ाम सही मायनों में एक अवामी नुमाइंदगी का निज़ाम साबित हुआ था। मई 2010 में हुकूमत पाकिस्तान की काबीना ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2010 की मंजूरी दी। पंजाब हुकूमत ने तो बाकायदा तौर पर पहल करते हुए मजिस्ट्रेटी निज़ाम बहाल कर दिया था, ताहम बलोचिस्तान काबीना की लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2010 की मंजूरी तक ये खुशफहमी ज़रूर थी कि मकामी हुकूमतों का निज़ाम 2000-2001 ख़त्म नहीं होगा, ताहम इसमें चंद तरमीम होंगी। बलोचिस्तान काबीना ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2010 ने मई 2010 में मंजूरी दी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2010 लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम 1979-80 में कुछ तरमीम करने के बाद नाफिज किया गया। हुकूमत के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2010 ही मसाइल को हल कर सकता है और मकामी हुकूमतों के एक बेहतर निज़ाम का नमूना साबित हो सकता है। जनवरी 2014 में लोकल ऑर्डीनेंस एक्ट 2014 का तरमीम शुदा एक्ट मंजूर किया गया, जो कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2010 में तरमीम की गई थी। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल के रूह से के अवामी ज़रूरियात और सहूलत के पेश नज़र इंतज़ामी अमूर की निचली सतह तक मुंतकली करें, ये हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है। आईने पाकिस्तान की शिक 140A का मफहूम कुछ इस तरह से है कि हर सूबा अपने कानून के मद्देनज़र रखते हुए मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम करें और मकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदों को इंतज़ामी और माली इख्तियारात की फ्राहमी भी करेगा। नंबर 2, सूबाई हुकूमत समाजी खिदमात और अवामी ज़रूरियात के हल के लिए इंतज़ामी अमूर की निचली सतह पर मुंतकली करें, ताकि हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ मकामी सतह पर ही पूरी हो सकें। नंबर 3, बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुनक्कद कराएगा। मजवजा एक्ट के मुताबिक बल्दियाती हुकूमतों के 5
सतह निज़ाम को 2013 में बल्दियाती इंतखाबात में मुतारिफ कराए गए, जिनमें नंबर एक यूनियन कौंसल। हर यूनियन कौंसल की सतह पर 10,000 से 15,000 नफूस तक का एक या जायद गांव। नंबर दो डिस्ट्रिक्ट कौंसल। हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर छावनी के इलाकों के सवा तमाम रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। नंबर तीन म्यूनसिपल कमेटी। हर म्यूनसिपल्टी की सतह पर 15,000 से लेकर 10,000 नफूस तक की शहरी इलाके। टेबल में यूनियन कौंसल जो है वो 715 मुस्लिम मेंबर, जिसकी आबादी वो 1,000 से 1,500 तक की आबादी वोटर्स। 5% अकलियती मेंबर हैं, इसमें ख़वातीन 33% है और किसान मजदूर और मेंबर जो हैं वो 5%। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कौंसल में, डिस्ट्रिक्ट कौंसल में मौजूदा यूनियन कौंसल की तादाद के बराबर के मुस्लिम मेंबर, 5% अकलियती, 33% ख़वातीन और 5% किसान मजदूर मेंबर। म्यूनसिपल कमेटी 8 से 36 मेंबर मुस्लिम, जो आबादी है 2000 से लेकर 2500 तक की आबादी में। 5% अकलियती मेंबर है, 33% ख़वातीन और 5% किसान मजदूर मेंबर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 30 से 50 मुस्लिम मेंबर, 5% अकलियती मेंबर, 33% ख़वातीन और 5% किसान मजदूर। नंबर पाँच है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, 50 से 70 मेंबर मुस्लिम मेंबर, 5% अकलियती मेंबर हैं, इसमें 33% ख़वातीन की हैं और 5% आपकी किसान मजदूर मेंबर हैं। अकलियती मेंबरान की तादाद का कौंसल में मौजूद तादाद का 5% होगा। ख़वातीन मजदूर ग्रुप, ख़वातीन को 33%, किसान और मजदूर के लिए 5% मुख्तस किया गया है। ताहम अकलियतों, ख़वातीन, किसान और मजदूरों को जनरल सीटों पर इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं। मौजूदा निज़ाम ने पिसे हुए तबकात, मसलन बिलखसूस ख़वातीन, अकलियतों, किसान, मजदूर को बाकायदा नुमाइंदगी दी गई। पाकिस्तान की 62 साल तारीख को मद्देनज़र रखते हुए 2000-2001 की हकूमत ने इन महरूम तबकात को भी मुनासिब नुमाइंदगी दी, जिसमें ख़वातीन को 33%, अकलियतों, किसान, मजदूरों को 5% नुमाइंदगी मिली थी। जब हम मकामी हुकूमतों के इख्तियारात और फ़राइज काम को मुजवज़ा एक्ट में देखते हैं तो ये वाज़ेह तौर पर लगता है कि मकामी हुकूमतें भी सूबाई हुकूमत की स्वाबदीद पर हैं। अगर मकामी हुकूमतों के फ़राइज कामों से मुतालिक शेड्यूल नंबर 5 को गौर से पढ़ें तो वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि मकामी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हदायत पर एक या तमाम दिए गए काम कर सकती है। एक और अब हम ये भी है कि देही कौंसलों की दोनों सतहों के लिए अलहदा अलहदा काम और शोबों का तयन तो कर दिया गया है, मगर शहरी कौंसलों जैसे कि म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अलहदा अलहदा कामों और शोबों का तयन नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया है कि शहरी कौंसलें हुकूमत की हदायत पर और अगर वो चाहें काम कर सकती हैं। मौजूदा निज़ाम में अवामी शमूलियत और अवामी शिरकत के हवाले से कई मौसर इदारे मौजूद हैं जो कि इस निज़ाम को जमहूरी तकवीत बख्शते हैं, जैसा कि मॉनिटरिंग कमेटियाँ, मसालियाती अंजमन सर फहरिस्त हैं। इसी तरह मौजूदा बल्दियाती हुकूमतों के निज़ाम में निचली सतह पर वसाइल और इख्तियारात की फ्राहमी मनसूबा बंदी को मुजवज़ा एक्ट में बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है और ब्यूरोक्रेसी और सरकारी मुलाजमीन को वाज़ेह तौर पर अवामी नुमाइंदों पर फोकियत और बरतरी दी गई है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जैसे इदारे दोबारा से फ़ाल कर दिए गए हैं। बल्दियाती निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवामी हलके, समाजी नुमाइंदे, साबका कौंसलर्स, खुसूसन महरूम तबकात, बिलखसूस ख़वातीन, अकलियतें, किसान, मजदूर मिलकर इस मुजवज़ा एक्ट पर अपनी राय का इजहार करें और हुकूमत से मुतालबा करें कि मौजूदा निज़ाम में मौजूद खामियों और कमज़ोरियों को दूर करके बेहतर बनाया जाए, ताकि सियासी मफादात की खातिर एक खूबसूरत और बेहतर निज़ाम लाया जाए। हुकूमत के इस गैर जमहूरी तर्ज़ अमल पर सिविल सोसाइटी, अवाम मिलकर अपनी नापसंदीदगी का इजहार करें और एक नुमाइंदा और जमहूरी निज़ाम में बेहतरी के लिए सब मिलकर हुकूमत से बराह रास्त डायलॉग करें। साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान और औरत फाउंडेशन ने पाकिस्तान भर में औरतों को हर सतह पर 33% नुमाइंदगी की अवामी मुहिम का आगाज़ कर दिया है।
ये मुहिम कौमी प्रोग्राम जज्बा जमहूरियत और बाख्तियार औरत के तहत मुनक्किद की जा रही है। इस मुहिम के दौरान हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि नंबर एक, सूबाई सतह पर फिलफौर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। नंबर दो, बल्दियाती हुकूमतों की तमाम सीटों पर बराह रास्त इलेक्शन करवाए जाएँ। नंबर तीन, बल्दियाती हुकूमत की हर सतह पर ख्वातीन की नशिस्तों के मखसूस कोटे में 33% इजाफा किया जाए और इन नशिस्तों पर ख्वातीन के लिए इंतखाबात बराह रास्त तरीक़ाकार मुख्तस किया जाए। नंबर चार, बल्दियाती हुकूमतों में ज़िले सतह पर मजदूरों, अकलियतों, अफराद बाहम माजूरी, ख्वाजा सराओं और नौजवानों की कम अज़ कम 5% या एक एक नशिस्त को यकीनी बनाया जाए। नंबर पाँच, सियासी जमातों को पाबंद किया जाए कि वो कौमी और सूबाई नशस्तों की तरह मकामी जनरल नशस्तों पर भी 5% ख्वातीन को नामजद करें। नंबर छः, बल्दियाती हुकूमतों को चलाने के लिए फैसला साजी में ख्वातीन की बराबर की शिरकत दारी को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब कानूनी और अमली इकदामात किए जाएं। नंबर सात, बल्दियाती हुकूमतों में ख्वातीन को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए ज़िले सतह पर वमेन कॉकसिस बनाए जाएं। नंबर आठ, ख्वातीन कौंसल्स की सियासी अहलियत को बेहतर बनाने के लिए तरबियती प्रोग्राम को लाजमी बनाया जाए। नंबर नौ, ख्वातीन अकलियतों, अफराद बहम माजूरी, ख्वाजा सराओं, वोटर्स के इंदराज को यकीनी बनाने के लिए खसूसी मुहिमात चलाई जाएं। नंबर दस, ख्वातीन अकलियतों, अफराद बहमी माजूरी और ख्वाजा सरा वोटर्स की पोलिंग स्टेशन तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इकदामात किए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के बोर्ड मेंबर्स डॉक्टर ईसा खान जोगेज़ई साहब, औरत फाउंडेशन बलूचिस्तान की ज़िलाई अफ़सर यास्मीन मुगल, जज्बा प्रोग्राम ज़िलाई फोरम के मेंबरान और नेशनल कमीशन बराए ख़वातीन की मेंबर हमारे साथ फातिमा खान भी थी, सियासी रहनुमा और साबिका काउंसलर फरा अशरफ और फातिमा बलोच और औरत फाउंडेशन के अलाउद्दीन खिलजी साहब ने शिरकत की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।